Hello students, I welcome to online classes. Today I am going to teach you civics chapter 2. This is the topic is striving for equality. Our topic is striving for equality. Striving is to struggle. इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल करना, सो इक्वालिटी बराबरी समानता। जब किसी सोसाइटी में इक्वालिटी नहीं होता है, बराबरी नहीं होती है, तो सारी दिक्कतें आती हैं। और इसी इक्वालिटी को समाज में लाने के लिए हमारे फ्रेंडों बरकरार रखने के लिए हमारे समाज में इक्वालिटी हो, देश में इक्वालिटी हो, इसके लिए हमारे फ्रेमर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर रहे थे। बहुत सारे उन्होंने इसके तरफ उन्होंने ध्यान दिया। सो द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस द मेन आइडियाज एंड प्रिंसिपल दैट नीड टू बी अडॉप्टेड टू इंश्योर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट पेज है, प्रीएम्बल जो भी इंट्रोडक्टिव पार्ट कहेंगे, सो प्रीएम्बल में पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है उसका पूरा निचोड़ है। इस प्रीएम्बल में क्या आइडियाज होना चाहिए, प्रिंसिपल होना चाहिए हमारे समाज के लिए, वो सारी बातें यहाँ पे मेंशन। एक समाज को अच्छा समाज बनाना है, कैसे आइडियल समाज बनाना है, एक अच्छा समाज बनाना है जिसमें लोग अच्छे हों, अपना इंडिविजुअली अपना डेवलपमेंट करें, समाज का डेवलपमेंट करें, उसके लिए कुछ आइडियाज दें। क्या आइडियाज हैं? उस कुछ मेन सिद्धांत सच एज इक्वालिटी। अगर आप प्रीएम्बल देखेंगे, प्रीएम्बल को पढ़ेंगे, यू सी द प्रीएम्बल, आपको ये वर्ड मिलेगा इक्वालिटी एंड लिबर्टी। इक्वालिटी मीन्स बराबरी, समानता। लिबर्टी मीन्स फ्रीडम एंड फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड, भाईचारा, एंड जस्टिस, इंसाफ। आर स्ट्रिक्टली फॉलोइंग फॉर्मेटिंग लॉज बाय द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट। तो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आइडियाज दिए गए हैं, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, ये सब चीज़ों को चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उन्हें इनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। किसी भी तरह का पॉलिसी बनाना है, कानून बनाना है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि किसी के साथ इनइक्वालिटी ना हो, लिबर्टी को नुकसान ना पहुँचे, फ्रेटर्निटी में खराबी ना आए, जस्टिस हो, किसी के साथ इनजस्टिस ना हो। क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल में ही ये सारी बातों का वर्णन है कि किसी भी तरह का कानून बनाए तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना हो, किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। एक अच्छा समाज बनाना है तो समाज में जस्टिस करना होगा, इक्वालिटी लाना होगा, लिबर्टी लाना होगा, फ्रेटर्निटी लाना होगा। और ये चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, सबको इस बात को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। सो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द इक्वालिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशियो इकोनॉमिक्स कल्चरल बैकग्राउंड। हमारे देश का संविधान हमें प्रोवाइड करता है क्या? इक्वालिटी ऑल इंडिविजुअल, एक एक इंसान को, एक एक व्यक्ति को इक्वालिटी, एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ, सब लोग कानून की नजर में बराबर हैं, ऑल आर इक्वल। तो ये हमारा संविधान ही हमें देता है कि सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब ये जो भेदभाव होता है, जो इनइक्वालिटी होती है, किसके बेस पे? सोशियो इकोनॉमिक, सोशली, इकोनॉमिकली, कल्चरली, इन बेस पे। तो हमारे संविधान इन चीज़ों को नकारता है कि नहीं, आप सोशली, इकोनॉमिकली एंड कल्चरली इन दिस ग्राउंड यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट
Next we come to next point. So despite all these laws, this discrimination is still prevailing in our society. लेकिन आप देखिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इतना अच्छा प्रावधान है, प्रोविजन है कि इक्वालिटी होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। लेकिन इन सब के बावजूद हमारे समाज में इनइक्वालिटी प्रिवेल कर रहा है, हमारे समाज में इनइक्वालिटी चल रहा है, इनइक्वालिटी का खात्मा नहीं हुआ। सो दीज अनफेयर प्रैक्टिस आर प्लेगिंग द डेवलपमेंट ऑफ आवर सोसाइटी। और हमारे समाज में जब इनजस्टिस होगा, इक्वालिटी नहीं होगी, तो क्या होगा, हमारा समाज डेवलप नहीं कर पाएगा, हमारा देश डेवलप नहीं कर पाएगा। दीज अनफेयर प्रैक्टिस, ये जो गलत तरह की प्रैक्टिस है, ये डेवलप सोसाइटी को डेवलप होने से रोकेगा, उसे बर्बाद करेगा। और इसके क्या हार्मफुल में से नुकसान है, डिनाइंग अ कंसिडरेबल सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी अ फेयर चांस टू लीड अ बेटर लाइफ स्टाइल विद हायर प्रोडक्टिविटी। अगर आप समाज में और लोगों को इक्वालिटी नहीं देते हैं, उनको बराबरी नहीं देते हैं, उनके साथ जस्टिस नहीं करते हैं, इट मीन्स आप उनको एक बेटर लाइफ स्टाइल देने से इनकार कर रहे हैं। और अगर उनके अंदर कोई अच्छी प्रोडक्टिविटी होगी, कुछ खूबियाँ होगी, यूनिकनेस होगी, तो वो भी बेकार चला जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो समाज में हम देखते हैं कि इनइक्वालिटी के कई कारण हैं। सो आज उस पर हम दो कारणों पे हम डिस्कस करेंगे। एक है प्रिजुडिस। सो व्हाट इज प्रिजुडिस? सो प्रिजुडिस मीन्स जजिंग अदर पीपल इन अ नेगेटिव वे और द थिंकिंग देम एज इनफेयर। ओके, सो प्रिजुडिस मीन्स हम दूसरे लोगों को नेगेटिवली थिंकिंग करते हैं, जजिंग अदर पीपल इन अ नेगेटिव वे ऑफ थिंकिंग। हम अपने माइंड में एक थिंकिंग बना लेते हैं, नेगेटिव थिंकिंग, कि वो खराब है, वो गलत है। सो वन कैन बी प्रिजुडिस अगेंस्ट अदर रिलीजन। अब यानी भेदभाव किसी के साथ, जो भेदभाव अगर हो सकता है, एक नेगेटिव थिंकिंग किसी के बारे में हमने बना लिया, तो वो किस बेस पे प्रिजुडिस हो सकता है? सो रिलीजियन, स्किन कलर, यानी धर्म के बेस पे भेदभाव करते हैं, प्रिजुडिस करते हैं, स्किन कलर हो रहा है, काला है, वे ऑफ ड्रेसिंग, कपड़े पहनने का जो उसका तौर तरीका है, उसके बेस पे प्रिजुडिस करते हैं। एंड फूड, खाने के बेस पे, फूड, लैंग्वेज एक्सेट्रा। सो दीज प्रिजुडिस प्रिवेंट अस फ्रॉम गेटिंग क्लोज टू ईच अदर। अगर इस तरह प्रिजुडिस प्रिवेल करता रहेगा समाज में, तो इससे क्या होगा, लोग एक दूसरे से दूर रहेंगे, एक दूसरे को करीब आने नहीं देंगे, दोनों में क्लोजनेस नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो मेंटली पहले से उसके बारे में एक थिंकिंग बना लिया कि वो सही नहीं है, वो गंदा है, वो गलत है। और इस तरह से आपस में दूरियां बढ़ेंगी, लोग करीब नहीं, मिलजुल करके नहीं रह पाएंगे। और जब मिलजुल करके नहीं रह पाएंगे, तो एक दूसरे से मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। सो नेक्स्ट ये प्रिजुडिस, प्रिजुडिस का नुकसान क्या है, नेगेटिव एटीट्यूड और ओपिनियंस कैन हर्ट देयर फीलिंग्स एंड प्रिवेंट हार्मोनियस लिविंग इन सोसाइटी। अब जो लोग प्रिजुडिस के शिकार होते हैं, जो भेदभाव करते हैं, वो उनका नेगेटिव एटीट्यूड होता है, नेगेटिव ओपिनियंस होता है, तो नेगेटिव एटीट्यूड और ओपिनियन की वजह से दूसरे लोगों को हर्ट करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, उनके फीलिंग्स को हर्ट करते हैं। और इसके वजह से जब एक इंसान दूसरे का दिल दुखाता है, तो फिर एक भाईचारा नहीं बन पाता है, आपस में मेल मिलाप नहीं बन पाता। ओके, नेक्स्ट दिस इज द टर्म स्टीरियोटाइप्स। व्हाट इज दिस स्टीरियोटाइप? इफ वी जनरलाइज ऑल पीपल ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप इनटू वन इमेज, वी क्रिएट स्टीरियोटाइप। अब स्टीरियोटाइप में क्या होता है कि सम एग्जांपल, गर्ल्स क्राइज़ी। स्टीरियोटाइप में कि
हम एक चीज को सबके लिए जनरलाइज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी अदर सिटी में गए और वहाँ पे किसी ने कुछ एक दो लोगों ने आपके साथ धोखा दिया, आपको नुकसान पहुँचाया, तो आप क्या करते हैं कि आप एक जनरलाइज एक व्यू बना लेते हैं कि यहाँ के लोग खराब हैं, सारे लोग खराब हैं। वो किसी पर्टिकुलर एरिया के एक दो लोग खराब हैं, उसने आपको नुकसान पहुँचाया, उसके बेस पे आप क्या ओपिनियन बना लेते हैं, नहीं यहाँ के लोग सब खराब हैं, बिहार के अगर एक दो लोग खराब हैं तो सारे बिहार ही खराब हैं, एक इस तरह का माइंड सेट बना लेते हैं। दिस इज कॉल्ड स्टीरियोटाइप्स थिंकिंग। सो इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स क्राइज भी एक लोग ओपिनियन बना लेते हैं कि गर्ल्स जो है बहुत वीक होते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं है, बार बार पे रो जाते हैं। एंड विलेजर्स आर वेरी सिंपल एंड सिटी फॉक्स आर कनिंग। ये भी एक धारणा बना लेते हैं लोग के गाँव के लोग बिल्कुल सादा होते हैं, सिंपल होते हैं और चालाक नहीं होते हैं, और शहर के लोग बहुत ही चालाक होते हैं, स्मार्ट होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है, गांव के लोग भी चालाक और स्मार्ट हो सकते हैं, शहर के लोग भी बेवकूफ़ हो सकते हैं, लेकिन एक धारणा बना लेते हैं, एक इमेज बना लेते हैं। और इसी तरह से ये सोचते हैं कि बॉयज जो है गेम में बहुत अच्छा होता है और गर्ल्स जो है वो हाउस होल्ड वर्क्स घरेलू काम में अच्छी होती है, तो इस तरह के इमेज क्रिएट कर देते हैं। सो स्टीरियोटाइप्स क्या, इसके स्टीरियोटाइप की वजह से जो है जस्टिस को डैमेज पहुंचता है। यानी हम समाज में अगर हमारा माइंड स्टीरियोटाइप्स वाला होगा, हमारे अंदर प्रेजुडिस होगा, तो हम समाज में जस्टिस नहीं कर पाएंगे। किसी ऐसे लोग जिसके पास स्किल है, उनके अंदर यूनिक क्वालिटी है, लेकिन हम क्योंकि स्टीरियोटाइप्स की थिंकिंग हमारे पास है, प्रेजुडिस की थिंकिंग है, भेदभाव वाला हमारा दिमाग है, इसके बेस पे हम अच्छे लोगों को फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें ख़त्म करना चाहिए। ये जो हमारे दिमाग में नेगेटिव चीज़ें घर कर गई है, उसे हमें हटाने की कोशिश करना चाहिए। हमारे अंदर इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि टॉलरेंस, बर्दाश्त की भावना होनी चाहिए। बर्दाश्त की भावना, हर इंसान को, हर कम्युनिटी को अपना कल्चर, अपना रिलीजियन, अपना लैंग्वेज अच्छा लगता है। इसी तरह से दूसरे लोगों को उसको अपना कल्चर, अपना लैंग्वेज, अपना रिलीजन अच्छा लगता है। तो इसका ये नहीं मतलब कि हमारा कल्चर बहुत अच्छा, उसका कल्चर बहुत ख़राब है। इस तरह जब हम एक दूसरे को गलत कहते हैं, ताना देते हैं, तो आपस में दूरियां बढ़ती हैं और दिक्कत पैदा होती है। तो हमें एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट करना चाहिए, रिस्पेक्ट की भावनाओं से देखना चाहिए और टॉलरेंस की भावना होनी चाहिए। हो सकता है उनकी बहुत सारी चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती है, तो हमें टॉलरेंस करना चाहिए। हमारी बहुत सारी चीज़ें तो उन्हें अच्छी नहीं लगी, उन्हें टॉलरेंस करना चाहिए। सो टॉलरेंस और रिस्पेक्ट की भावना को पैदा करके हम इन सब नेगेटिव चीज़ों से दूर रह सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बी हैप्पी एंड स्प्रेड हैप्पीनेस।